अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आमिर भक्त और आज हम मौजूद हैं फिर से आउटडोर। आज जो हम ऐप सीखेंगे वो है एडोबी प्रीमियर क्लिप, जिसमें आप मोबाइल में वीडियो एडिट कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो शूट की थी स्नोफॉल की, अपने मोबाइल पे शूट की थी, वो वीडियो ये है। जो है वहाँ ये वीडियो मैंने मोबाइल पे एडिट की थी, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कुछ लैपटॉप या सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं थे, तो मैंने मोबाइल में ही एडिट की थी। तो लेट्स एक्सप्लोर कि किस तरह करते हैं। सबसे पहले जो है आप सॉफ्टवेयर खोल लें एडोबी क्लिप। तो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ये मैं बार बार सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, सॉरी, ऐप का इंटरफेस काफ़ी ईजी है। ये मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा आपको इंटरफेस के बारे में बता दूँ, फिर मैं आपको शुरुआत से प्रोसेस बताऊंगा। ये वो वीडियो है जनाब। अच्छा जी, एक प्रोजेक्ट शुरू से बना के देखते हैं। ये प्लस साइन में आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको ये पूछ रहा है कि पहले आपको वीडियो कहाँ से चाहिए। आप डिवाइस से ले सकते हैं, डिवाइस मतलब आपके मोबाइल में कुछ स्टोर हुए कैमरा, आपको नहीं शूट कर सकते हैं, या क्रिएटिव क्लाउड, ड्राइव टूम, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव। मेरे डिवाइस में फोटोज वीडियो पड़ी है। मैं यहाँ पे गया, कैमरा में गया, और कैमरा में अच्छा सबसे अच्छी बात इसमें यह कि आप इसको इन कैमरा यहाँ पे आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। किस तरह? अगर आप कोई भी वीडियो को प्रेस करके रखेंगे तो आपको उसका प्रीव्यू देगा, क्योंकि मैंने शूट ही स्लो मोशन में किया था, तो मुझे वो स्लो मोशन प्रीव्यू दे रहा है, जो कि काफ़ी ईजी है और काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं इसको, मैंने कहा मुझे ये वाली वीडियो चाहिए, मैं सिंगल प्रेस करूँगा तो सेलेक्ट कर लेगा, अगर मैं फाइल की प्रेस तो उसको प्रीव्यू देगा। मुझे ये वीडियो अच्छी लगी, मैंने ये सेलेक्ट किया, और सपोज मैंने एक और वीडियो ये वाली सेलेक्ट कर ली, मैंने कहा डन। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन थे, ऑटोमेटिक या फ्री फॉर्म। ऑटोमेटिक में आपको इस तरह वो कह रहा है खुद ब खुद आपको वीडियो एडिट करके दे देगा। आई प्रेफर फ्री फॉर्म, ताकि मैं खुद से अपनी वीडियो एडिट कर सकूँ। अच्छा, अब इसने मुझे अपनी पूरी वीडियो जो है वो दे दिए, जो कि 31 सेकंड की ड्यूरेशन की है। अगर मैं प्ले करूँ उसको, आँखों पे लेकर हमारा भी कोई आइडिया होगा ना सर। ठीक है, अब 10 सेकंड प्लेबैक नहीं कर रहा। इसकी सेटिंग करने के लिए मुझे हर क्लिप की सेटिंग में आकर उसको स्लो मोशन करना पड़ेगा। वो किस तरह करते हैं, ये मेरी क्लिप सिलेक्टेड है, मैं सेटिंग्स में गया, यहाँ पर देखें स्पीड। अब अगर आपको कितनी स्पीड पर करना है ये आपको नहीं मालूम, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, उसमें आपको स्लो मोशन की टेक्निक जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू समझ में आ जाएगी। लेकिन स्पीड जो है मैं इसको यहाँ पर रखूँगा 10%, इसमें मिनिमम स्पीड जा सकती है 25%, तो मैं वही रखूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि इसमें 10% तक मैं जा सकता हूँ, क्योंकि अब इतना मार्जिन है। ठीक है, अच्छा ये जो हमारी टाइमलाइन है, इस पर मैं अपने क्लिप सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे क्लिप का कौन सा पार्ट चाहिए। मुझे क्लिप को यहाँ से लेकर इस पार्ट तक क्लिप काफ़ी अच्छी लग रही है। अब देखोगे नीचे जो 0.5 सेकंड जो लिखा हुआ है, अब मैं अगर बड़ा कर रहा हूँ तो वो 22 सेकंड हो रहा है, और यहाँ पे मुझे ओवरऑल ड्यूरेशन दिखाई दे रही है। यहाँ मैंने एक और क्लिप सेलेक्ट की, इसको भी मैं स्लो मोशन मैं इसको कम स्लो मोशन करता हूँ। मैं वापस यहाँ पे गया। अच्छा एक और बात, मुझे इन वीडियोज़ की ऑडियो नहीं चाहिए, मुझे बात खुद की म्यूजिक लगानी होगी, तो मैंने क्लिप सेलेक्ट की, मैं म्यूज़िक पर गया और मैंने उसकी वॉल्यूम बंद कर दिया। सेम विथ एवरी क्लिप, सॉरी। अब अगर मैं स्पीड में इसको, मैंने थोड़ी स्पीड कम कर दी, तो अब मैं अपना प्रीव्यू देखता हूँ। मैं इसको म्यूज़िक नहीं है बिकॉज मैंने म्यूज़िक म्यूट कर दिया। अब जैसे ही आपके जो ट्रांजिशन है दो क्लिप के दरमियान, वो बहुत फ्लैट है, मतलब से कट है, तो उसको चेंज करने के लिए पहले आप यहाँ पे सेटिंग में जाएँ, क्रॉस फेड बिटवीन क्लिप्स, आप उसमें ये क्लिक कर देंगे, तो अब आपके जो बीच में ट्रांजिशन होंगे वह आप देखें तो काफ़ी स्मूथ एक फेड ट्रांजिशन होगी। देखें, इट लुक्स मोर सूदिंग।
सॉरी। अब इसको भी मैंने कुछ एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसका भी एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया। थोड़ी और सेटिंग एक्सप्लोर करते हैं। डुप्लीकेट क्लिप, यह आपकी क्लिप को फिर से डुप्लीकेट कर देगा, जो आपने क्लिप इस्तेमाल किया फिर से कॉपी हो जाएगी। स्प्लिट एट प्ले हेड, यह आपकी वीडियो को स्प्लिट कर देगा, दूसरी वीडियो बना देगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी सेटिंग, अपने वीडियो के एक्सपोजर और हाईलाइट को सेट कर सकते हैं, थोड़े ब्राइट कर सकते हैं, हाईलाइट कम कर सकते हैं, शेडोज। इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप पे टॉप पे जो बटन है म्यूज़िक का, वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट म्यूज़िक ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई अपना म्यूज़िक सेलेक्ट करना है तो आप अपना कोई भी म्यूज़िक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं सॉन्ग्स के थ्रू। अगर आपको यहाँ पे प्रीमियर क्लिप थिंग्स, उसके खुद की थिंग्स भी दिए हैं, आपको सका सुनने हैं, यहाँ पर क्लिक करें। बहुत सारी थिंग्स मैंने ऐड किया इसको, अब इसने म्यूज़िक लगा दिया। आप चाहते हैं कि आपकी म्यूज़िक थोड़ी आगे से स्टार्ट हो तो अपनी म्यूज़िक यहाँ से एडजस्ट करेंगे। आपकी म्यूज़िक स्लाइड, आपकी पहले वॉल्यूम ज़ीरो होकर थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ेगी, इसको हम फेड इन कहते हैं। आपने साउंड ट्रैक ओके कर दिया, अब आप फिर से प्रीव्यू कर सकते हैं आपकी क्लिप को। अब आप यहाँ पे जाते हैं, ये है आपका कलर करेक्शन। इसमें आप डिफरेंट, जैसे आप इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगाते हैं, इसी तरह आपके वीडियो में फ़िल्टर लगाएगा। आप जहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे वो आपको उसका प्रीव्यू देता रहेगा। सपोज़ मैंने एक लोडी फिल्टर चूज़ किया, तो इसने वीडियो पे, हर वीडियो पे वो। इसके अलावा फेड इन फ्रॉम ब्लैक, मतलब स्टार्ट आपका ब्लैक से हो और आखिर में आपका पूरी फ्रेम ब्लैक हो जाए, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आप उसको ये कर सकते हैं। अब देखें आपकी ये वीडियो स्टार्ट होगी, मुझे अपनी वीडियो रेडी लगे, बिकॉज इसमें आप प्रो एडिटिंग नहीं कर सकते, आप एक लिमिटेड काम कर सकते क्योंकि फ़ोन की ऐप है, बट इसमें फ़ोन की आराम से पॉसिबल है। अब आप मुझे ये क्लिप एक्सपोर्ट करनी है, मेरी एडिट पूरी हो गई है, मुझे ये क्लिप एक्सपोर्ट करनी है। मैं शेयर में गया, मैंने कहा सेव टू गैलरी, और वो मेरी वीडियो सेव कर रहा है। वंस इट्स सेव्ड, आप सो फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो आई होप यू लर्न समथिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू मेक वीडियोज़, मोबाइल से शूट करें, मोबाइल से एडिट करें। डोंट लिमिट योर सेल्फ विद योर कैम विद कैमराज, क्या कैमरा नहीं तो आप काम नहीं कर सकते, आप मोबाइल से बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आपको कुछ और जानना है मोबाइल वीडियोग्राफी या एडिट के बारे में, प्लीज़ कमेंट में सवाल लिख। और अगर आपने कोई काम किया है जिसमें आपने मोबाइल से वीडियो बना के एडिट की है या कुछ और काम किया है, प्लीज़ मुझसे वो शेयर करें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी दैट। इसके अलावा प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट करें कि क्या देखना है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।